रिलायंस का योगदान आज भी है। हालांकि ये बात मैं चेतावनी देना चाहूँगा अपने इंटरडे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वाले दोस्तों को कि ये जो विंडफॉल टैक्स हट रहा है, धीरे धीरे ये अनवाइंड हो रही है, साथ में भाव भी चल रहा है। 2330 वाला रिलायंस 2730 रुपये हो गया है। इसलिए फ्रेश यहाँ से लॉन्ग पोजिशन अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम करें, क्योंकि 400 पॉइंट तो 1.5 महीने में चला है। ये नया पोजीशन लाने का शायद सही टाइम नहीं होगा। लेकिन दूसरा एक ऑयल प्रोड्यूसिंग है जो ज़्यादातर रेडार पर नहीं आता, वो है ONGC। कहीं ना कहीं 75, 80, 80 के आसपास क्रूड एक नियर टर्म बॉटम करके अब 87, 88 पे आया है। ONGC पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये आपको कई बार ऐसे बढ़िया ट्रेडिंग के मौके दे सकता है ONGC, जो रेगुलर स्टॉक्स नहीं दे। देखिए नीचे अभी में फिलहाल 120 टॉप गेनर है फिनो में और ONGC। नीचे 120 का भाव है, 120 का 145 पे आया है, तो क्या इसमें पोजिशनल कॉल, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ONGC को ट्रेड करते हो, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्टॉक है, इसको आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सोच लिया तो नेगेटिव रिटर्न्स हो जाएंगे। थोड़ा डीएनए बदला है आज से 3 साल 4 साल पहले, जैसे ONGC चलता था, अब ONGC खबर पे रिएक्ट करता है। करने लगा, पहले तो रिएक्ट भी नहीं करता था, सुस्त शेयर था, इसको बोला जाता डिविडेंड पेइंग शेयर, सिर्फ लेके रख दीजिए छोड़ दीजिए इसको। आप मयूरेश से इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि ONGC में इस समय क्या करें? मयूरेश, मीडियम टर्म ट्रेड बनता है क्या जैसे हम डिस्कस कर रहे थे? नहीं, आई थिंक बहुत वेगरीज है जैसे इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स, क्रूड का भाव कैसे होगा, इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स कैसे बिहेव करेंगे, कितना खर्चा कर रहे हैं एक्सप्लोरेशन पे, कितना राइट ऑफ ले रहे हैं ड्राई वेल्स के ऊपर। बट ये सारी चीजों के अंदर आई थिंक एक चीज बहुत साफ है, जो डिविडेंड यील्ड देते हैं ये कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल इनका है, जो प्रोसेसिंग ये कर पा रहे हैं, आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक जो रेगुलेशन में बदलाव की हम बातें कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पारिक रिकमेंडेशन एज वेल, एक मार्जिनल इम्पैक्ट पॉजिटिवली इस पे भी आएगा। और अगर क्रूड के रेट्स यही भाव पे चलते रहेंगे, जो इन्वेंट्री लॉसेज ये पिछले कई तिमाहियों तक क्या ऑल्टरनेट तिमाहियों में पोस्ट कर रहे थे, ये शायद बैलेंस शीट पे ना आए एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। तो कोई कुछ पॉजिटिव्स है कुछ नेगेटिव्स है, बट आई थिंक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल न्यूज़। आई थिंक वी स्टे ट्रेंड टू स्टे अवे बोथ फ्रॉम अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउनस्ट्रीम कंपनीज। ऑलराइट।